जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड पर। प्रिय भाई बहनों, श्रीमद् भगवद गीता जी के रूप में प्रभु श्री कृष्ण ने हमारे जन्म से लेकर के और जब तक यह शरीर मृत्यु लोक में रहता है तब तक के जितने भी प्रश्न हैं और उसके पश्चात जब हम इस लोक को छोड़कर हमारी आत्मा दूसरे लोकों को चली जाती है, भ्रमण करती है, तब तक के समस्त प्रश्नों का उत्तर उसमें समाहित किया हुआ है 18 अध्याय और 700 श्लोकों के रूप में। आवश्यकता है तो उसके भावार्थ को ग्रहण करने की। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मन को किस प्रकार वश में किया जाता है। प्रभु श्री कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिए थे उसमें अध्याय 6 का 35वां श्लोक है, उसे समझिए। असंशयम महाबाहो मने दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येन च ग्रहते। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। प्रिय भाई बहनों, ध्यान दीजिए प्रभु क्या कहते हैं। यह बात तो वह स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना आसान कार्य नहीं है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से निसंदेह यह वश में होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। अब बात समझने वाली यह है कि अभ्यास और वैराग्य किस प्रकार किया जाए और क्या होता है। प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले तो हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा अपने स्वभाव के अनुसार। ध्यान दीजिए, अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म के अनुसार। हमारा मन यदि चंचल हो चुका है, हमारा किसी प्रकार से भौतिक पतन या आध्यात्मिक पतन हो चुका है, हम कहीं आसक्ति को ग्रहण कर चुके हैं, कहीं आसक्ति हमारी हो गई है, तो उससे मन को हटाने के लिए सबसे पहले हमें अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म को देखना होगा। प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव के अनुसार कोई रुचिकर ऐसा कर्म होता है जिसमें उसकी रुचि हो, करने का मन करे, और वहीं मन को आसानी से लगाया जा सकता है। इसको आप थोड़ा गहराई से समझिए। जो हमारे स्वभाव से उत्पन्न है, मान लीजिए मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे मान लीजिए एक इंजीनियरिंग के जितने भी कार्य होते हैं वो सब अच्छे लगते हैं, नई नई चीज़ों को बनाना, उनकी क्रिएटिविटी जो होती है उसको पसंद करता हूँ मैं, मान लीजिए, तो मेरा जो मन है वहाँ आसानी से लग जाएगा। तो ये मेरे स्वभाव से उत्पन्न कर्म है, तो यहाँ पर आप आसानी से अपने मन को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उस लक्ष्य को निर्धारित करके और अपने मन को उन विषयों से खींच खींच करके, जितनी इंद्रियाँ हमारी उस ओर जा रही हैं वहाँ, उन सबको वहाँ से खींच करके बार बार उस ओर लगाइए, और जो प्रभु का ध्यान स्मरण है उसे बार बार अपने मन में करते रहिए। क्योंकि जब तक आप प्रभु का स्मरण नहीं करेंगे, मन में शुद्धता नहीं आएगी, हमारे कॉन्फिडेंस विश्वास नहीं आएगा। और हाँ, देखिए, यदि आप इसको निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि आपको लक्ष्य क्या निर्धारित करना है, आप यह पता ही नहीं लगा पा रहे कि मेरे स्वभाव के अनुसार क्या कर्म मुझे करना चाहिए जिससे मेरा जीवन निर्वाह भी हो सके और मन को आसानी से दूसरे विषयों से खींच कर लाया जा सके, तो हमारे मनुष्य जीवन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह है परमात्मा की प्राप्ति का। तो सबसे अच्छा जो लक्ष्य है वह तो यही होता है कि प्रभु प्राप्ति का लक्ष्य बना लीजिए। प्रभु को कैसे प्राप्त करना है उसके अनुसार हमें अपनी गतिविधियां क्या करनी चाहिए, क्या कर्म करने चाहिए, प्रभु के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता जी को पढ़ना चाहिए, प्रभु का ध्यान स्मरण करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, इन सब क्रियाओं के द्वारा मन को अन्य विषयों से खींचकर उधर लाया जा सकता है। और जो मैं जो प्रमुख बात है मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, कर्म बंधन से छूटने का क्या उपाय बताया है प्रभु ने। आप उस कर्म बंधन से छूट सकते हैं। कर्म बंधन का तात्पर्य सब कुछ करते हुए भी आप कुछ नहीं करेंगे, जो बात गीता में कही गई है वो यहीं से कही गई है कि जब हमारा प्रमुख उद्देश्य है प्रभु प्राप्ति का, तो यदि प्रभु प्राप्ति के लिए ही हमें कर्म करना है तो हम प्रभु प्राप्ति के लिए कर्म करते हुए यदि प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाते हैं, तो हमारे करने के लिए कोई कर्म शेष नहीं रहता है, यह बात गीता में स्पष्ट की गई है। तो फिर हमारे करने योग्य कोई कर्म नहीं बचता है प्रभु की जब प्राप्ति हम कर देते हैं। दूसरी बात आती है वैराग्य से मन को वश में करने की। देखिए, वैराग्य का तात्पर्य है इस लोक और परलोक के जितने भी भोग विलास के पदार्थ हैं उन सब से आसक्ति को हटा लेना।
कामनाओं का पूर्णतया नाश हो जाना ही वैराग्य है। तो यह तो थोड़ा मुश्किल है, तो अभ्यास को तो आसानी से किया जा सकता है। प्रिय भाई बहनों, जो भक्त प्रभु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं उनका तो योगक्षेम अर्थात शारीरिक रक्षा या जो भी उनका कर्तव्य पालन होना चाहिए वह स्वयं प्रभु पूरा करते हैं। यदि मन में पूर्ण विश्वास हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो प्रभु के लिए। देखिए अध्याय 9 का 22वां श्लोक, प्रभु क्या कहते हैं, अनन्या चिंतयत माम ये जना पार्युपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम बहामि अहम। अर्थात हे अर्जुन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करते हुए करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। योगक्षेम अर्थात जो भी उनकी आवश्यकताएं होती हैं जीवन की, उन्हें वह स्वयं पूरा कर देते हैं यदि निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति की जाए। यह नहीं कि आप प्रभु की भक्ति मन में कोई भावना लेकर कर रहे हैं कि प्रभु मुझे एक चार पहिए की गाड़ी मिल जाए तो मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, या आपकी भक्ति करने में और ज़्यादा तत्पर होऊंगा, आपके दर्शन करने आऊँगा। ये सब चीज़ों से अलग भक्ति भाव तो निष्काम भाव से होना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का जो है प्राप्ति का कोई भाव नहीं होना चाहिए, किसी भी भौतिक वस्तु की प्राप्ति की कामना नहीं होना चाहिए, उसे निस्वार्थ भाव से भक्ति कहते हैं। तो निष्काम भाव की भक्ति जहाँ होगी वहाँ योगक्षेम प्रभु स्वयं पूरा कर देते हैं। इसके लिए हमें किसी प्रकार के कर्तव्यों की आवश्यकता नहीं रह जाती है जब हम प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। और यदि आपको धन ऐश्वर्य नाम प्रतिष्ठा ये सब चीज़ें चाहिए भी तो भी 18वें अध्याय का 78वां अर्थात अंतिमवां श्लोक देखिए, यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर है तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। प्रिय भाई बहनों ध्यान दीजिए, संजय जिन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की हुई थी, जो सब कुछ देख सकते थे, वह महल में बैठ करके धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल सुना रहे थे कुरुक्षेत्र का। तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे तो संजय उन उपदेशों को एज इट इज कन्वर्ट करके अपनी भाषा में समझा रहे थे धृतराष्ट्र को। तो उस समय वह यह बात कह रहे हैं कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं, जहाँ पर उनकी कथाओं का गुणगान होता है, प्रभु श्री कृष्ण का गुणगान होता है, सच्चे हृदय से उन्हें माना जाता है वहाँ, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ अर्जुन को भी माना जाता है वहाँ पर क्या होता है, वहीं पर श्री अर्थात धन विजय अर्थात आपकी जो विजय है वो है, विभूति जो आपका ऐश्वर्य है यश है वह है, और अचल नीति वहीं पर सब कुछ विराजमान रहता है। तो आपको धन ऐश्वर्य नाम प्रतिष्ठा ये भी चाहिए, तब भी भगवान श्री कृष्ण का ही सर्वथा ध्यान स्मरण उचित है। तो गीता जी में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिल जाता है यदि आप निष्ठा के साथ विश्वास के साथ भावार्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी में पूर्ण निष्ठा और विश्वास रखने वाले भक्तों के लिए देखिए भगवान श्री कृष्ण कितनी अच्छी बात कहते हैं। 18वें अध्याय का 68वां श्लोक, यम इमम परमम गोहाम मद भक्तेषु अविधास्यते भक्तिम मैं पराम कृत्वा माम एव एष्यति असंशय। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अर्जुन से कि जो इस प्रकार से उनके भक्तों में निष्काम भाव से भक्ति के उद्देश्य से इस गीता शास्त्र का विस्तार करेगा, इसके बारे में बताएगा, विस्तार करेगा, वह मुझे प्राप्त होता है।
इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है, अर्थात यह मेरी प्राप्ति का एकांतिक उपाय है। इसलिए मेरी प्राप्ति चाहने वाले अधिकारी भक्तों को इस गीता शास्त्र के कथन तथा प्रचार का कार्य अवश्य करना चाहिए, जिससे वह मुझको ही प्राप्त हो सके। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र विनती करता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता जी को अपने जीवन में एक बार अवश्य ही पढ़ें। परम कल्याणकारी मार्ग है, अवश्य पढ़ें एक बार, जिससे आपको ज्ञान भी होगा और प्रभु की प्राप्ति भी होगी। अब किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा कीजिए, प्रभु श्री कृष्ण से भी क्षमा चाहता हूँ। आगे किसी वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।